हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्ता इनोवेशंस। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप रिलाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डेली स्टॉक रिपोर्ट को कैसे व्यू कर सकते हैं। डेली स्टॉक रिपोर्ट से हम देख सकते हैं कि शॉप पर ग्रे का कितना स्टॉक है, सेम जॉबर के वहाँ कितना स्टॉक है और शॉप पर फिनिश स्टॉक कितना है। रिलाय में डेली स्टॉक रिपोर्ट को व्यू करने के लिए हम यहाँ पर रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री, डेली स्टॉक पर एंटर करेंगे। यहाँ पे अगर आपको डिटेल रिपोर्ट यानी कि एंट्री वाइज रिपोर्ट देखनी हो तो डिटेल पे एंटर करना है, और अगर डेट वाइज या मंथली समरी रिपोर्ट देखना हो तो समरी पे एंटर करना है। हम यहाँ पे डिटेल पे एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंडिविजुअल पे एंटर कर रहे हैं, सिलेक्ट कंपनीज, यहाँ पर जिस कंपनी की रिपोर्ट देखनी हो उसको लिस्ट में रखना है और जिसकी रिपोर्ट नहीं देखनी हो उसको डिलीट की प्रेस करके लिस्ट में से हटा देना है और फिर एंटर प्रेस करना है। पीरियड, जिस डेट से लेके जिस डेट तक की रिपोर्ट देखनी हो वो डेट यहाँ पे डाल देनी है। टाइप, अगर डिटेल्ड यानी कि डेट वाइज रिपोर्ट व्यू करनी हो तो डिटेल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और समराइज्ड यानी कि मंथली रिपोर्ट के लिए समरी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे समरी ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं। यूज चलान डेट, अगर परचेज और जॉब वर्क रिसीव का स्टॉक परचेज एंट्री की चलान डेट के हिसाब से देखना हो तो यूज चलान डेट पे वाई करना है, और अगर इनवॉइस डेट के हिसाब से देखना हो तो एन एंटर करना है। कंसिडर ग्रे मीटर्स, अगर जॉबर का स्टॉक यूज्ड मीटर्स के हिसाब से काउंट करना हो तो कंसिडर ग्रे मीटर्स पे यस यानी कि वाई एंटर करना है, और अगर फिनिश मीटर के हिसाब से स्टॉक काउंट करना हो तो कंसिडर ग्रे मीटर्स पे एन एंटर करना है। नेक्स्ट, वांट शॉर्टेज कॉलम, अगर रिपोर्ट में शॉर्टेज की कॉलम अलग से प्रिंट करनी हो तो यहाँ पे वाई एंटर करना है। नेक्स्ट, शो स्टॉक वैल्यूएशन, अगर रिपोर्ट में स्टॉक का वैल्यूएशन भी प्रिंट करना हो तो यहाँ पे वाई एंटर करना है, अदरवाइज एन एंटर करना है। नेक्स्ट, डिवाइस, अगर रिपोर्ट को सिर्फ व्यू करना हो तो स्क्रीन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, व्यू करके प्रिंट करना हो तो फाइल ऑप्शन पे एंटर करना है, व्यू किए बिना प्रिंट करना हो तो प्रिंटर ऑप्शन पे एंटर करना है, और अगर रिपोर्ट से एग्जिट होना हो तो एग्जिट ऑप्शन पे एंटर करना है। हम यहाँ पे फाइल ऑप्शन पे एंटर कर रहे हैं, रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। रिपोर्ट ओपन हो चुकी है, यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन है ग्रे एट शॉप, इसमें ग्रे परचेज की कॉलम में जो हमने ग्रे परचेज किया है वो मीटर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट, रिटर्न फ्रॉम मिल के कॉलम में जो स्टॉक मिल में से बिना प्रोसेस किए वापस आ गया है वो मीटर्स आएंगे। नेक्स्ट, इशू टू मिल के कॉलम में जो स्टॉक हमने मिल में प्रोसेस के लिए भेजा है वो मीटर्स आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 5500 मीटर्स ग्रे परचेज किया है, और उसके बाद 5500 मीटर्स को हमने मिल में इशू किया है, लेकिन उसमें से 5000 मीटर्स मिल से रिटर्न आ गया है, रिटर्न फ्रॉम मिल के कॉलम में। नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पे ग्रे एट मिल्स का, यहाँ ग्रे सेंट टू मिल कॉलम में हमने जो स्टॉक मिल में भेजा है वो वैल्यू आएगी, मतलब कि ग्रे एट शॉप में जो इश्यू टू मिल के मीटर्स हैं वो इसके साथ टैली होंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे यूज्ड ग्रे कॉलम में जितना स्टॉक मिल में यूज हुआ है वो वैल्यू आएगी, रिसीव्ड फिनिश्ड कॉलम में जितने स्टॉक पे जॉब वर्क हुआ है वो वैल्यू आएगी शॉर्टेज हटा के। यहाँ हमने मिल में 500 मीटर्स इशू किया था, उसमें से पूरा 500 मीटर्स ग्रे यूज हो चुका है और फिनिश्ड आइटम बन गई है 480 मीटर्स की, जिसमें से 20 मीटर्स शॉर्टेज लेस हो गया है। लास्ट सेक्शन है यहाँ पे फिनिश्ड क्लॉथ एट शॉप का, यहाँ हमने जितना स्टॉक यानी फिनिश्ड आइटम मिल से रिसीव की है वो मीटर्स यहाँ रिसीव फ्रॉम मिल के कॉलम में आ जाएंगे। नेक्स्ट, हमने फिनिश्ड आइटम को सेल किया है तो जितना स्टॉक सेल किया है वो वैल्यू यहाँ पे सेल इशू के कॉलम में आ जाएगी। उसके बाद अगर कुछ रिटर्न होता है तो वो वैल्यू यहाँ पे सेल रिटर्न के कॉलम में आ जाएगी। यहाँ हमने मिल से 480 मीटर्स रिसीव किया था, जिसमें हमने पूरा 480 मीटर्स सेल किया और उसमें से 100 मीटर्स रिटर्न हो गए, तो यहाँ सेल रिटर्न के कॉलम में वैल्यू आ गई है।
इस तरह से आप रिपोर्ट को टैली कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको रिपोर्ट को प्रिंट करना हो तो यहाँ पे एस्केप की प्रेस करके प्रिंट ऑप्शन पे एंटर कर देना है। और अगर इस रिपोर्ट को हमें एक्सेल, वर्ड, पीडीएफ या किसी और फॉर्मेट में सेव करना हो तो यहाँ पे सेंड टू ऑप्शन पे एंटर करके उसमें से जिस फॉर्मेट में रिपोर्ट सेव करनी हो उस पे एंटर कर देना है। इस तरह से हम रिलाय में डेली स्टॉक रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।